तीन चार महीने बाद, तब तक शादी हो जाएगी मेरी, तू आ जाइयो। कल रूबी ने उठ के जाना है रिहर्सल पे, तेरे को कल सुबह बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, खिचड़ी बनानी है। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ वो भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि जो हमारा लास्ट वीडियो था वो YouTube पे ट्रेंड कर रहा था एंड ऑफकोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं करवा चौथ वाला व्लॉग, मैंने कितनी मेहनत करी थी करवा चौथ वाले दिन, वो सब आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना वीडियो इंजॉय कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में बिकॉज मुझे रेडी होना है। अभी हम सीधा आ गए मार्केट, घर घर का कुछ नहीं दिखाया क्योंकि इतना इतना कुछ याद करने को ना, सीधा हमने सोचा मार्केट से करेंगे। एक्चुअली क्या है, हम ना आजकल मुंबई में शॉपिंग कर रहे हैं शादी की, और मेरी बहन को मेरी नैना पे, मेरी बहन को नैना पे इतना विश्वास है कि वो सारी चीजें नैना से पूछ के कर रही है। देख लो तुमको जैसा सही लगेगा मैं वैसा ही करने वाली हूँ। मैंने कहा यार ये तो और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई थी, अब मैं हर जगह जा जाके देख रही हूँ, मुझे ऐप की पहले सारा मार्केट देखूंगी जो सबसे बेस्ट होगा तो फिर वही जाके ले। एग्जैक्टली exactly. और हमको ऐसा लगता है ना कि यार शादी के टाइम पे ना जो ब्राइड या ग्रूम है ना उन पे वैसे ही बहुत प्रेशर होता है बहुत exactly. चीज़ों को लेकर, तो हमने सोचा कि हम इतना सब चीज़ तो शेयर कर ही सकते हैं। अभी तो घर की बहू बनी भी नहीं है, इसने इतना वो ले लिया है ना, मतलब मुझे इरिटेट कर देती है। जब से मैं सुबह जिम से आया थक गया था, मैं चाह रहा था थोड़ा रेस्ट करूँ, और इसने सुबह से अद्दी कर रही थी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम से जाके फायदा रहता है। ऑलरेडी जितना भी मेन्यू ना सारा डिस्प्ले पे है, आप अपनी प्लेट कर लो उसके बाद वहाँ जाके बिलिंग हो। तो गाइस अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है, घर के जो सामान होते हैं वो छोटी मोटी, बट अभी जो मेन शॉपिंग जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे वो करनी बाकी है, कपड़ों की। तो अभी हम जाएंगे और यहाँ पे अभी हम वर्ली साइड आए, टाउन साइड जो मुंबई का मेन एरिया है ना वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स है, इसकी मार्केट उसकी मार्केट है, अभी वो सारी मार्केट जाके हमने देखनी है। तो चलो अब तो मुझे भी मतलब मैं शॉपिंग से इरिटेट नहीं होता यूजुअली, बट इस बार इतनी शॉपिंग हो गई है ना, इतनी शॉपिंग खुद के लिए नहीं किया, सब सब के लिए की है। नहीं नहीं बट हमारा एक चीज के लिए हम 10-10 जगह भी गए हैं, तो अब हम इतना घूम चुके हैं ना, इतना घूम चुके कि मेरे ना यहाँ तक आ गई अभी शॉपिंग, क्योंकि मुझे अपने लिए तो मैंने मतलब शायद ही ऐसा समझो कि जितनी शॉपिंग हुई है ना उसका 20% मेरा है, नैना का तो 2-3% होगा, बाकी औरों का ही लिए जा रहे हैं, औरों का ही लिए जा रहे हैं। कोई शौक वाली चीज भी जबरदस्ती करनी पड़े ना बार 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 तो आप इरिटेट होने लग जाते हो। मेरा वैसे ये हाल हो चुका है, आप लोग बताना कि आपको कैसा लगता है शॉपिंग करना, और अगर बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी पड़े जबरदस्ती वाली तो कैसा लगता है, और औरों के लिए शॉपिंग करना कैसा लगता है आप लोगों को वो भी बताना। चलो आप लोग कमेंट्स करके बताओ, उससे पहले वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, मैं आज ही एनालिटिक्स दोबारा देख रहा था, ऑलमोस्ट 55% लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाया करेगी और वीडियो आप हमेशा देख सकते हैं, ऐसे छुप के नहीं आना पड़ेगा आपको। यार नैना के शौक कैसे कैसे, इसको इस टैक्सी में जाना है काली पीली। काली पीली इतना क्राउड है यहाँ, ये टाउन एरिया है मुंबई का जो जो एक्चुअली असली मुंबई है, और यहाँ इतना क्राउड है ना और इतना शोर है, इधर से आवाज़ें इधर से आवाज़ें, आई डोंट थिंक ये व्लॉग में कुछ सुनेगा भी, बट मैं थोड़ा ग्लिम्प्स दिखा रहा हूँ आपको कि पुराना मुंबई एक्चुअली ये होता है। ओ एक बोरी तो हमने कर लिया है अभी तक, हाँ 1.5, और ऐसे अभी हमने बहुत चीज़ें लेनी है बट टाइम कम है, टाइम का पता ही नहीं लगता है, जैसे बाहर निकले अंधेरा हो गया। एग्जैक्टली हाँ चलो अब जल्दी जल्दी से लेते हैं, और घर भी हमको टाइम से पहुंचना था। चलो चल भैया कक्कड़ मार्केट किधर है,
गरम है। अच्छा है, अच्छा है, पर गरम है, बहुत अच्छा। ये क्या है? दही कचौरी। हैव इट। तू बाल बुल बना के आ गई और उठा ले ऊपर पहाड़। हाँ, मुझे कोई उदासी नहीं है। नहीं, इसको देख कितनी खुशी है जाने की। भैया एक साल हो गया पूरा। एक साल बाद तब तेरे बाल, तू सोच रही है इसे रॉकेट लॉन्च हो जाए भाई। मैं सोच रही हूँ कम तैयार होने की, बोले की हो जा कृष्णा तैयार जल्दी से चल। भैया को तो बहुत दुख है, भैया बहुत दुखी है, भैया दीदी को छोड़ के जा रहे हैं। 7 बजे उठे भैया। मैं नैना को ढूंढ रहा था सुबह, कहाँ है मेरी नैना? कितने दिन बाद आओगी तुम? 3-4 महीने बाद, तब तक शादी भी हो जाएगी मेरी। Oh, no. 3-4 महीने तो कुल बचे शादी को, पहुंच जाइयो शादी में। अब तुम लोग टाइम से रेडी हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। कितनी खुशी है घर जाने को। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किससे मिलने की है? सबसे 19.7 कुछ भी नहीं जाएगा तेरा, ये कृष्णा का बैग, कृष्णा का ही रहेगा। मैंने पूरा ही बैग दे रखा, हैंड बैग भी आपको पूरा ही का दिया। हैंड बैग में रजत का ही सामान। रजत तेरा पेट नहीं भर रहा है, जा यहाँ से जा। दो सूट तो आई जाएंगे, 2 सूट में 20 किलो ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। डाल दे यार, मैं पहनूंगा कपड़े सूट पहन के घूमेगा ना, पीटेगा। सुन तेरे और नहीं डाल दे कपड़े, तुम्हें क्या करना है 15 दिन के लिए जा रही है? भाई साहब मेरे घर में फंक्शन है। हर बार क्या कृष्णा हमारा, हम आते हैं और यहाँ इतनी शॉपिंग कर देते हैं, इतनी शॉपिंग कर देते हैं ना कि डबल वेट ले जाते हैं। चलो इस बारी कहने के लिए तो ये हुआ, रजत की घर पे शादी है। देखो कितना हुआ इस सूट से। एक किलो से कुछ नहीं होता कृष्णा, वहाँ प्लीज प्लीज बोलियो। तुम बस पूरे दिन यही खेलते रहो, खोलो निकालो खोलो डालो। कृष्णा ने रजत के लिए बैग निकाला, हैंड बैग दिखाइयो कृष्णा। बोलती रजत अच्छा लगेगा, ले तो जाना है, कौन पूछ रहा है कि लेडीज है कि जेंट्स। कृष्णा इसके दांत नहीं रुक रहे। बाय बाय दोस्तों। अभी मैं आई के घर आई हूँ, अगर आपको याद होगा तो मैंने विमेंस डे के दिन भी आई के घर आई थी और आई ने मुझे कुछ बनाना सिखाया था, और आज आई ने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया है अपने स्टाइल में, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वो ये क्या है? ये मीठी चटनी है और वो अचार है। मैंने वेट करने के लिए बोला है, इसका पता नहीं चलेगा इतने सारे। मसाला भात। हमारे में चावल इसमें बनाते हैं। अरे पहली बार इतना बड़ा केला देखा। इसको बोलते हैं इलायची केला। अरे ये तो बिल्कुल मिनी इलायची है, ये इलायची इतना ही होता है। थोड़ी मोटी हो गई तू, रनिंग चल चल मेरे साथ। कोई दूसरा कोला फटा के साथ कर तुम्हारे। हैव यू बीन सर्विंग लाइक दिस ऑल डे लॉन्ग? Yes. And this is how it is supposed to be done. One person serves. Wow. When to begin? I'm hungry. ये second last है, last है. Second. बाप रे, अब plate में जगह भी नहीं बची है. आप बताने चाहोगे? guess what the food is. अच्छा आई बताएंगे क्या क्या. मटर रगड़ा वगैरह है ना?
बटाना मतलब पी व्हाइट पीज। कितना कुछ हो गया इस सबको बनाने में, आपको टाइम तो बहुत गया होगा। वाह वाह, खाओ खाओ बेटा, अच्छे से खाओ। कल रूबी ने उठ के जाना है रिहर्सल पे, तेरे को कल सुबह बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, खिचड़ी बनानी है, खाओ खाओ अच्छे से खाओ। क्या हुआ बता तो नहीं, अभी आई को सडनली रियलाइज हुआ कि इसमें से एक आइटम मिसिंग थी, तो कोई तो बोल रही है वो, तो वेटर साहब ने बोला है कि कल फिर से आकर सेकंड पैटर्न में फिर से खाना पड़ेगा क्योंकि एक आइटम मिस हो गई थी, और वो जो मिस हो गई है चीज वो कल फिर से खिलाएंगे। वो नहीं पूरा पूरा एक चीज और खिलाएंगे, आइटम मैं ऐसा बोल रही हूं। ठीक है, कल कितने बजे आने बताओ? अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा है, 1 बजे की आशा है। वास्ता अभी ये खाते में कितना टाइम लग रहा हम लोग को? ऑलमोस्ट आधा घंटा, आधा घंटा मेरा पेट फूल गया। अच्छा है घर में लक्ष्मी आई, मजा आ गया बहन, ये तुम्हारे लिए। 1 2 ओके 3 ओह 4। अब इसको स्टीम करेंगे और सुबह मोमो बनेगा और अब इसको खाएंगे सुबह। थैंक यू, सुबह ब्रेकफास्ट में बेबी यू गेटिंग दिस, नैना इज मेकिंग स्पेशल मोमोस फॉर यू। लास्ट टाइम आई ने मुझे बहुत क्रोशिया सिखाया, अभी पूछते कि क्या किया तुमने उसके बाद, मैंने कुछ नहीं किया बट आई ने ये बनाया। यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कॉमेंट करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।